हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा, विश्वास, पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय आशीष सर में। आज बेहद खुशी हो रही है कि जो बच्चे कक्षा 9th में हैं थे, उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो 10th में आ चुके हैं। 10th में आने के बाद एक अच्छा स्टैंडर्ड हो जाता है, एक अपने आप में जो भविष्य की करियर की नींव होती है वो स्टार्ट होने लगती है। यहाँ से बच्चों में भी सेंसिबिलिटी आ जाती है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बेहतर करना है, हमें कुछ अच्छा करना है। उनकी जिज्ञासा, उनकी जो छोटे सी आँखों में बड़े और महान सपने हैं उनको साकार करने में हम भी आपकी थोड़ी सी भूमिका निभाएंगे। हम भी आपको आपके टारगेट्स तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। उसी के लिए आज से ये वीडियो लेक्चर आपके सामने रेगुलर बेस पे आते रहेंगे। बात करेंगे पूरे साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपका पोर्शन है साइंस में, उसके बारे में एक एक करके सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर भी कोई भी परेशानी, दिक्कत आती है आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, सब चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। आज हम लोगों ने एक लेक्चर आपके सामने आ चुका है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों को जनरली ये पता चल गया था कि हमारे पास पढ़ने के लिए 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में 4 चैप्टर हमें फिजिक्स में पढ़ने हैं, 4 चैप्टर हमें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और 4 चैप्टर हमें बायोलॉजी में पढ़ने हैं। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले फिजिक्स की। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम टॉपिक्स वाइज चलेंगे, पहले परावर्तन पढ़ेंगे फिर अपवर्तन पढ़ेंगे, एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिनमें जो आज के टॉपिक होंगे हम लोग जो आज बातें डिस्कस करेंगे, पहला होगा प्रकाश के बारे में बात करेंगे, प्रदीप्त और दीप्त वस्तुओं के बारे में, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अंजाद, बहुत बेहतरीन अंदाज से समझेंगे, सब चीज़ों को एक एक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ आपको एकदम से क्लियर रूप से समझ में आएगी, बस आप रेगुलर रूप से इसको वीडियो को देखते रहिए और अंत तक जुड़े रहिए। चलिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रकाश की, तो हमें जनरली लाइट का जब हम नाम सुनते हैं, जब घर में भी सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, कहीं पर जब लाइट का नाम सुनते हैं तो हमारे जो दिमाग में एक इमेज बनती है वो होती है कोई एक रोशनी टाइप का। जैसे मान के चलिए, और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप मान के चलिए एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, क्या एक अंधेरे कमरे में आप बंद हैं, लाइट चली गई है, ठीक है। अंधेरे कमरे में बंद होने के बाद आप बेड से जैसे ही उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके चारों ओर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपकी आँखें, भले ही आपने ऐसे खोल लें, आँखें बंद थी, आप आने आए आँखें खोलें, लेकिन कमरे में क्या है, अंधेरा। अंधेरा होने पर आप देख पाते हैं कि हमारी आँखें भले ही हम खोले हैं लेकिन कमरे में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी ना। उसके बाद आपने क्या किया, आप गए स्विच के पास, स्विच के पास जाने पर फिर आपने क्या किया, ऐसे ऐसे जाके आपने स्विच को ऑन किया। क्या किया? स्विच को ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही लाइट आई, सारी वस्तुएं आपको प्रॉपर रूप से दिखाई देने लगेंगी कि नहीं देने लगेंगी। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब आप कमरे में थे और कमरे में था अंधेरा, तो आप अपनी आँखों को खोले थे, आपके पास आँखें मौजूद थीं लेकिन आप वस्तुओं को नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद एक प्रक्रिया आपको बहुत विचित्र दिखाई दी होगी कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, ऑन करने के बाद जो प्रकाश था वो वस्तुओं पर गिरा, गिरने के बाद आपको सारी वस्तुएं दिखाई दी। इतनी बात क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, पहले तो एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपकी आंखें कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, आप वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो हम प्रकाश को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो पहली हेडिंग होगी जिसका टॉपिक्स का नाम है क्या, प्रकाश। प्रकाश, तो प्रकाश में क्या लिखेंगे आप, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम
वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाते हैं। इतना आप प्रकाश के बारे में लिख सकते हैं। सर देख तो पाते हैं, ये चीज़ समझ में आई, लेकिन प्रोसेस क्या होता है? जैसे जब लाइट नहीं थी तो हमें वस्तुएं नहीं दिख रही थी, जैसे ही लाइट आई वस्तु पर गिरी और हमें वस्तु दिखाई देने लगी। तो ये जो घटना हो रही है, लाइट का जलना, फिर किसी भी वस्तु पर पड़ना, पड़कर फिर हमें दिखाई देना, इसी घटना को नाम देते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। जैसे ही प्रकाश गिरेगा किस पर? वस्तु पर। वस्तु से टकराएगा, हमारी आंख में जाएगा, रेटना पर प्रतिबिंब बनेगा, आंख में हमारे जैसे ही जाएगा और हमारा माइंड क्लिक करेगा कि वस्तु ये, वस्तु ये है, ये वस्तु ये है। तो ये जो प्रकाश का गिरना और गिरना कर लौट कर हमारी आंखों में पहुंचना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चा। इसके बाद बात आती है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं की। अब प्रकाश जो उत्पन्न हो रहा, चाहे बल्ब से हो रहा हो, चाहे सूरज से हो रहा हो, चाहे मोमबत्ती से हो रहा हो, चाहे लालटेन से हो रहा हो, किसी भी से भी हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा हमें प्रकाश दिखाई देता है, उनमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो जब हम बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु की, कौन सी वस्तु बेटा? प्रदीप्त, ल्यूमिनस, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कौन सी वस्तुएं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कौन सी बच्चे? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बात समझ में आ गई? आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि प्रदीप्त वस्तुओं में जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब उदाहरण की बात करते हैं, तो निश्चित है सूरज सबसे पहले आएगा, क्योंकि सूरज खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे हुए, बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, ये सब क्या हैं आपके? आदि। किसके उदाहरण हैं ये आपके सब? ये सब आपके उदाहरण हैं किसके? जो आपके प्रदीप्त वस्तुएं हैं उसके उदाहरण ये आपके हो जाएंगे। ठीक है बच्चा। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है अद्वितीय वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो निश्चित है अप्रदीप्त वस्तु जैसे इसका और रिवर्स होगी, अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो दूसरे की मदद से दिखाई देती हैं, दूसरे की मदद से दिखाई देती हैं या स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, या स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे एग्जांपल, आपके सामने कुर्सी थी। क्या थी कुर्सी? मेज थी। आपके सामने कोई किताब थी। ये चीज़ें स्वयं नहीं दिख रही थी, क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही थी? कब दिखी? जब इन पर प्रकाश गिरा। और एक एग्जाम्पल होता है नोट लिख लीजिए कि जो हमारा चंद्रमा है, क्या है बेटा? चंद्रमा। तो चंद्रमा आपको लगता है कि वो चमक रहा है, क्या है? लग रहा है वो चमक रहा है, लेकिन वो दरअसल चंद्रमा जो है वो एक है अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि ये सूर्य के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, सूर्य के परावर्तन से चमकता है, चमकता है। ठीक है बेटा। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछता है कि चंद्रमा दीप्त है कि अदीप्त है, तो आपको क्या लिखाना है? अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा किसकी मदद से चमकता है बच्चा? चंद्रमा चमकता है आपकी, जो आपका प्रकाश है
सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ही चमकता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रकाश के गुण, कि प्रकाश जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है। प्रकाश जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश जनरली आपसे ये पता चल गया आपको कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। तो पहला तो गुण यही हो गया आपका कि जो प्रकाश है, अच्छा उसमें थोड़े थोड़े से हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बढ़िया से। तो अगली जो हेडिंग होगी उसका नाम क्या होगा बच्चा, प्रकाश के गुण। क्या हेडिंग होगी? प्रकाश के गुण। फटाफट से लिखिए, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो गुण नंबर पहला क्या होगा? गुण नंबर ये है, प्रकाश की मदद से ही हम वस्तुएं देखते हैं। प्रकाश की मदद से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, साधारण रूप से अगर हम देखें, साधारण रूप से प्रकाश सरल रेखाओं में चलता है। प्रकाश सीधी सरल रेखाओं में चलता है, सीधी सरल रेखाओं में चलता है, मैं चलता है। ये काम का पॉइंट है बेटा, अपने क्या है, ये काम का पॉइंट है। क्यों काम का है? क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जब हम प्रकाश के परावर्तन के बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, परावर्तन के प्रकाश के बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रकाश को चला रहे हैं वो कैसे चलाएंगे, एक सीधी सरल रेखा में चलाएंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है वो ये है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है बच्चा। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। जो आपका है ऐसा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है लेकिन इसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, नहीं दिखता है, दिखता है लेकिन इसकी मदद से वस्तुएं दिखती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है बच्चा। पांचवा पॉइंट है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल कितनी होती है बच्चा, सभी को पता होनी चाहिए ये तो सभी को पता होनी चाहिए, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है बच्चा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। कोई पूछे अगर कि निर्वात में प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है तो आपको क्या बताना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद प्रकाश परावर्तन दिखाता है, क्या दिखाता है? प्रकाश परावर्तन दिखाता है, परावर्तन दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चा? परावर्तन दिखाता है। परावर्तन क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे परावर्तन का गुण। तो जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है, लौट जाता है, ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन दिखाता है। इसके बाद प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में जा सकता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे आपका कांच हुआ, क्या हुआ, कांच हुआ, आपका ग्लास हुआ, कांच हुआ, पानी हुआ मैं से गुजर सकता है, ठीक है, गुजर सकता है। और इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं फिर आगे चलकर, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम देते हैं इसी को? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चा। ये सब नोट कर लीजिए आप फटाफट से, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो टॉपिक्स होगा उसका बेहतरीन नाम है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि चैप्टर का दिख रहा है नाम, चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, तो निश्चित है इसका काम हमारे पास आने वाला है। और आपके पास ये जो प्रकाश जो है वो कैसे चलता है, किरणों के रूप में चलता है। तो हम अब जो भी काम करेंगे तो जो प्रकाश लेके चलेंगे वो हम कैसे लेके चलेंगे बच्चा, किरणों के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है बच्चा।
किरणों के रूप में चलेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है बेटा कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। नाम डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, कौन सा वर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सी लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन सी लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होती है कहानी समझते हैं, कहानी यह है बच्चा कि अपने पास एक होगा पृष्ठ, क्या होगा पृष्ठ होगा, यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं बढ़िया सा डायग्राम, ये रहा आपके पास एक पृष्ठ, क्या रहा एक पृष्ठ। सर पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ ऐसा है चिकना, कैसा है चिकना है, या है अपने पास दर्पण या है कोई चिकना पृष्ठ, ठीक है चिकना पृष्ठ है या फिर कोई है दर्पण। जब दर्पण या चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण गिरेगी, अभी हम पढ़ के आए हैं प्रकाश कैसे चलता है, किरणों के रूप में चलता है या तरंगों के रूप में चलता है, तो प्रकाश जैसे ही यहाँ पे गिरेगा, अगर ये पॉलिशदार है, कैसा है बच्चा पॉलिशदार है, नहीं ये दर्पण है, क्या है ये दर्पण है, दर्पण होगा तो इसके एक साइड हमने कर दी पॉलिश, क्या कर दी पॉलिश कर दी एक साइड, ठीक है। तो दूसरा जो पृष्ठ है वो चिकना है, चिकना पृष्ठ होगा, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे गिरेगी ऐसा तो नहीं धसके नीचे निकल जाएगी, क्योंकि इस साइड है पॉलिश तो ये टकराकर बेटा ऐसी लौट जाएगी, लौटेगी कि नहीं लौटेगी, हाँ लौटेगी सर। यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, क्या कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब सुनते जाइए, जब कोई प्रकाश की किरण, पहले लिख लेते हैं जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने, किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर गिरती है तो गिरकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आगे की कहानी, ये तो हो गई आपका डायग्राम हो गया, तो इसमें डायग्राम में कुछ बातें हम लोग नोट करेंगे। जो प्रकाशीकरण आती है उसको नाम देते हैं बेटा आपतित किरण, क्या नाम देते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। ये जिस पृष्ठ से टकराएगी बच्चा, ये जिस पृष्ठ से टकराएगी उसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तन हो रहा है ना तो इसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ बच्चा परावर्तक पृष्ठ। इतनी बात क्लियर है, जो किरण टकराकर लौटकर वापस जा रही है, परावर्तन के बाद जो लौट रही है किरण उसको कहेंगे परावर्तन से जा रही है तो परावर्तित किरण, कौन सी किरण परावर्तित किरण। इतनी बातें सभी को क्लियर, आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है सर। इसके बाद अगर इन दोनों पॉइंट से हम एक नॉर्मल खींचें, क्या खींचें, इस दोनों पॉइंट को मिलाने पर क्या खींच लें, एक नॉर्मल खींच लें, एक अभिलंब खींच लें, इसको नाम देंगे अभिलंब, क्या कहेंगे इसको अभिलंब कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे अभिलंब, ठीक है सर। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये रहा ये पॉइंट, इसको कहेंगे आपतन बिंदु, क्या कहेंगे आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु आपतन बिंदु, क्या कहेंगे आपतन बिंदु, जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जिस पॉइंट पर मिलते हैं परावर्तक पृष्ठ के, उसको नाम देते हैं आपतन बिंदु। इतनी बात सभी को क्लियर है, आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण के जहां पर मिलेंगे उस पॉइंट को कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा अभिलंब कहलाएगा, ठीक है बच्चा। इसके बाद अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी कहानी, और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग नोटेशन देते हैं आई, क्या देते हैं आई, इसको कहते हैं आपतन कोण, कौन सा कोण आपतन कोण, कौन सा कोण आपतन कोण, ठीक है बेटा
आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक एंगल यहाँ पे बना है, इसे हम लोग कहेंगे आर। क्या कहेंगे बच्चा? आर, जिसको कहेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है बच्चा, इतनी बातें आपको परावर्तन में ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको परावर्तन में ध्यान रखनी है। इसको पहले रेज कर दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब हम लोग कुछ जो हमने यहाँ पर डायग्राम में बनाया है उसको हम लोग नोट डाउन करते जाते हैं, एक एक करके इसको सबको नोट डाउन करते जाएंगे कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है, इसको हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं। चलिए, जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आपतित किरण क्या होती है। पहला क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण क्या है? आने वाली किरण, आने वाली किरण आपतित किरण होती है, आपतित, आपतित किरण होती है। आने वाली किरण क्या होती है? आपतित किरण होती है। ठीक है, दूसरी परावर्तित किरण, कौन सी किरण? परावर्तित किरण। कौन सी किरण बच्चा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण, परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण, परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, होती है। ठीक है बच्चा, इसके बाद तीसरा है परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बच्चा? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस पृष्ठ पर टकराती हैं, कौन सी? आपतित किरण बच्चा और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस पृष्ठ पर टकराती हैं, जिस पृष्ठ पर टकराती हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि परावर्तन की घटना जिस पृष्ठ से होती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ऐसा भी बोल सकते हैं परावर्तन की घटना जिस पृष्ठ से होती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब आई ये बात है अभिलंब की, किसकी आई बच्चा? अभिलंब की। चौथा पॉइंट क्या होगा? अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। सबको पता है अभिलंब, अभिलंब क्या होगा? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। कौन से बिंदु पर? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब। ठीक है बच्चा, इसके बाद पांचवा पॉइंट आता आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु होता है आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु, मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं उसे? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी बात जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। इतनी बातें फटाफट से नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे दो तीन पॉइंट और रह गए। और क्या रह गया? अब रह गया परावर्तक पृष्ठ हो गया आपका, ठीक है, आपतन कोण और ये आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया। अब रह गया आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात। कौन सा रह गया? आपतन कोण रह गया और रह गया परावर्तन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण रह गया और क्या रह गया? परावर्तन कोण रह गया है आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका रह गया है। चलिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण रह गया, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगला जो टॉपिक्स है उसका नाम है कौन सा कोण? आपतन कोण। सिक्स पॉइंट है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। क्या होता है? देखो, आपतित किरण और अभिलंब किस किस के बीच बना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच
और अविलंब के बीच बना कोण होता है। ठीक है बच्चा, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। सातवां पॉइंट, परावर्तन कोण, कौन सा कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण में क्या हो जाएगा बच्चा, देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, तथा अभिलंब के बीच बना कोण होता है, बना कोण होता है, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी परावर्तन की इतनी कहानी हो गई। अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है परावर्तन के नियम। क्या है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, कौन से नियम, परावर्तन के नियम, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बच्चा, परावर्तन के नियम। पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट डायग्राम से देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या एक ही तल में होते हैं। क्या हो गया पहला रूल, पहला रूल ये है कि आपतित किरण, कौन सी किरण बच्चा, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन का पहला नियम होते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो दूसरा नियम है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और हो जाता है। दूसरा रूल नंबर सेकंड है, नियम नंबर सेकंड। तो परावर्तन के कितने नियम है बच्चा, दो, दो नियम है। पहला नियम आपने देख लिया, दूसरा नियम ये कहता है आई बराबर आर, क्या कहता है, आई बराबर आर, यानी आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, आई का मान हमेशा किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, इसे कहते हैं हाँ परावर्तन का कौन सा नियम, सेकंड नियम। जितनी बातें आपको एकदम से क्लियर होंगी, ये पहले चैप्टर की कहानी थी, पांच टॉपिक डिस्कस किए हैं, सभी टॉपिक्स आपको एकदम से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, और बच्चों की मदद हो सके, आपका भी काम चले और दोस्तों का भी काम चले, तभी जीवन का कोई सार्थक उद्देश्य होता है। हम अपने लिए अकेला नहीं करें, हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें, दूसरों की भी मदद हो सके, तो इसी तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो रेगुलर वीडियो हो वो आपके साथ पहुंच सकें। इस तरीके से छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व, अपना करेक्टर इस तरीके से आपको विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।